हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे अगर किसी को जल्दी संगत सीखनी है, अगर जल्दी संगत सीखनी है और वो संगत का तबला बजाना सीखना चाहते हैं, तो शुरुआत से ही संगत के बारे में ही हमको सोचना होगा और संगत के बोल ही बजाना होगा, है ना। क्योंकि शुद्ध से हमको थोड़ा सा हटना होगा। शुद्ध हमको बजाते तो आना चाहिए, लेकिन हम शुरुआत से ही अगर संगत सीखनी है तो शुरुआत से ही संगत को लेकर हमको विशेष ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहरवा है, कहरवे का शुद्ध बोल क्या है? ठीक है, धागे नाती नक धीना। अब हम इसको थोड़ा द्रुत में बजाते हैं, धागे नाती नक धीना। ठीक है, लेकिन इसी को हम अगर संगत के तरीके से बजाएंगे, संगत के का सोच के बजाएंगे, तो वो कैसे बजाएंगे? आठ मात्रा वो भी थी, आठ मात्रा जो है ये संगत वाली, ये भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। धागे ना तीना क तीना, धागे ना तीना क तीना, धा धा ना तीना ना धा। तो देखो, आठ बोल ये वाले भी आप सीख सकते हैं, आठ बोल वाले भी सीख सकते हैं। तो शुद्ध का अलग एक रूप होता है और संगत के बोलों का अलग रूप होता है। तो ये जो संगत का बोल है ये क्या है? धा 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 तीन, मतलब धा 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 तीन, चार मात्रा तो यही हो गई, जिसमें कि दो बार धा है, ये तीन बार धा है। धा 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 तीन, आठ मात्रा है जिसमें चार बोल मैंने बता दिया, तीन एक है और तीन धा है। धा 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 तीन नाना धाती। अब क्या? नाना धाती, बस हो गया। धा 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 तीन नाना धाती, नाना धाती, नाना धाती, नाना धाती। ये संगत का कहरवा है, संगत का कहरवा। धा 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 तीन नाना धाती। अब जो लास्ट का जो धा है उसमें जोर दे देना है, धाती, तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा और बढ़िया। इसको रगड़िए, धा 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 तीन नाना धाती। अब पीछे की ओर, धा 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 तीन, धा 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 तीन नाना धाती। कहीं कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का, तीन बार धा बजाइए, धा धा धा, तीन बार बज गया। फिर उसका तीन बजा दीजिए दोनों से, तीन, है ना। फिर ना ना धा ती, बस इतना ही है। अब इसको उठना है तो कैसे उठेंगे? तो मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि शुद्ध का रूप अलग है, शुद्ध मत बजाइए। वो शुद्ध भी आठ मात्रा है, ये भी आठ मात्रा है संगत की, ये आठ मात्रा बजाएगा जिसको तब संगत जल्दी सीखना है। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही था, छोटा सा वीडियो था इसलिए बना दिया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और चीज़ों को लेकर, तब तक के लिए बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे को पहले